हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फरी हक व्लॉग वंस अगेन। राइट नाउ आई एम हियर इन मनाजिल बहरीन सलमाबाद एरिया। सो वन बाय समथिंग फॉर क्रिसमस डेकोरेशन फॉर क्रिसमस ट्री एंड द अदर डेकोरेशन। सो लेट्स गो एंड फाइंड और सी व्हाट टाइप ऑफ डेकोरेशन दे हैव। ओह दे व्हाट ब्यूटीफुल यू सी, नाइस। They have beautiful holy jolly Christmas collection. Nice. Very nice. So guys, those are in Bahrain, they can come and shop Christmas decoration and lot of things. काफी यहाँ पर bags हैं। चलें आगे चलते हैं, ये देखें बहुत कुछ है। इसी तरह क्रिसमस से रिलेटेड बहुत सी डेकोरेशन यहाँ पर मौजूद है। क्रिसमस ट्रीज हैं यहाँ सामने, तो आप बहुत कुछ क्रिसमस के लिए यहाँ से बाय कर सकते हैं। यू नो देखें ये ह्यूज एरिया, बहुत सी क्रिसमस की डेकोरेशन यहाँ पर मौजूद है। या ये पिंस भी हैं, फॉरवर्ड हैंगर्स हैं ये। ये क्रिसमस के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर मौजूद है दोस्तों, मनाजिल सलमाबाद बहरीन। और शूज़, अगर आप शूज़ पहनना चाहते हैं क्रिसमस, तो ये देखें कैसी ज़बरदस्त शूज़ भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर नजर नहीं आ रही, देखता हूँ शायद यहाँ पर। ये देखें बहुत कुछ है यहाँ पर क्रिसमस डेकोरेशन के लिए। Wish you a Merry Christmas, yes। ये देखें दोस्तों बहुत खूबसूरत चीजें हैं यहाँ पर। असल में बहुत सी कुछ टॉयज में तो बैटरीज है, कुछ में नहीं भी है। और ये देखें, ओ हो मैरी क्रिसमस, ऐसे सांता क्लॉज विदाउट फीचर्स। तो ये खूबसूरत आई थिंक जगह है, यहाँ से मैं ये भी लेके जा रहा हूँ। ये नेक्स्ट आई है, ये देखें एक दिनार 2 रुपए की। और ये क्रिसमस और क्रिसमस से रिलेटेड कुछ दूसरी डेकोरेशन चीज़ें भी यहीं से मैं बाय करता हूँ, तो आपको फिर वो दिखाते हैं। ये देखिए क्रिसमस ट्री का पूरा वो उन्होंने लाइट के साथ दिया हुआ। फ्रेंड्स मुख्तलिफ तरह की लाइट्स हैं, ये देखिए ये 4 दिनार 9 रुपए की लाइट्स हैं, जिसमें 20 पीसेस हैं पार्टी लाइटिंग।
और इसी तरह ये डिफरेंट नेम है। अक्सर यहाँ पे वैसे सेल चलती है, लेकिन क्रिसमस है ना आज का और सीज़न चल रहा है, तो मेरा ख्याल है इसलिए उन्होंने ज़रा सेल पेल पे तो जो कम ही रखी है। प्राइसेस वैसे इनकी थोड़ी हाई हैं मनाजिल की, लेकिन चीज़ें कुछ बेहतर हैं, देख सकते हैं ह्यूज बड़ा क्रिसमस ट्री है ये देखें। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी प्राइस, ये देखें ये ट्री है क्रिसमस ट्री, ये देखें। ऑलराइट, मैं अब आप इसके फीचर्स देता हूँ। मैरी क्रिसमस, ये 12 फीट फील रेल बे बैरी सप्रियस हिंग्ड आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री है, और इसकी प्राइस जो है 349.900 ओनली, यानी 350 बीडी, 350 का है। इसको अगर अमेरिकन डॉलर्स में आप देखें तो एग्जैक्ट तो शायद अभी मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये है कि 2.06 समथिंग, 2.6 और 2.7 एक डॉलर जो है, एक बीडी जो है वो डॉलर्स का, यानी 2.5 गुना ज़्यादा। तो आप इसको अंदाज़ा लगा लें कि ये सात सात तकरीबन शायद 12 to 1500 डॉलर्स का बनेगा ये, और पाकिस्तानी अगर देखें तो शायद 1.5-2 लाख रुपए का, विच इज़ एक्सपेंसिव। इसको मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। जब रियल जीसस है तो आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री को क्या ज़रूरत है, और वो भी इतने पैसों के लिए। ये बहुत से एरियाज में बहुत से बहन भाई हैं हमारे मोहल्ले में इलाकों में जो शायद कपड़े नहीं खरीद पाएंगे, शायद उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे जैसे हम लोग आप लोग करेंगे, तो उनको क्यों ना हम सपोर्ट करें, सही है ना। तो फजूल किस्म की डेकोरेशन और पार्टीज और इन चीज़ों से इज्तनाब करते हुए चाहिए कि क्रिसमस की जो असल रूह है वो सर्विंग है, शेयरिंग है। क्रिसमस की जो असल रूह है वो पैसा खर्चना, खुद इन्जॉय और खुश रहना नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी को मलहूज़े खातर और इम्पोर्टेंस देना है, जैसे खुदावंद ने, यीशु मसीह ने, द लिविंग सन ऑफ द लिविंग गॉड ने किया। तो क्रिसमस की असल रूह को आप इन्जॉय करें, इन आर्टिफिशियल चीज़ों पर पैसे मत खर्चें जो हम लोग इतना कुछ खरीदते हैं और फिर पैक करते हैं और भूल जाते हैं, सही है ना। तो कोशिश करें कि जो क्रिसमस की असल रूह है उसकी तरफ जाएं, जो कि लोगों को हेल्प करना, सपोर्ट करना, प्यार करना और उनके साथ शेयर करना जो कुछ आपके पास है। ये जी वो जो वाइज मैन जो थे मजूसी, ये उनका सोना मोर और लुबान, आप याद आपको सोना मोर और लुबान लेकर आए थे, ये देखिए ये वो है या। और ये भी हसम है क्या, 109 रुपये का, 109 बीडी का, ये देखें ये एक नाइन नहीं बल्कि 10 ही समझें, 109.900 है, तो ये 110 दिनारी समझें, तो ये भी 70-80 हज़ार, 50-60-70 हज़ार पाकिस्तानी, फॉरगेट इट, नॉन इट, सही है। तो ये महंगे हैं, इनके अंदर लाइट्स वाइट्स कुछ भी हो, लेकिन इतना पैसा हम बहुत से लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लिए, अपनी फैमिलीज में से देख सकते हैं, हमारे चर्चेज जहाँ पे आप लोग जाते हैं और बहुत कुछ। तो आप उन्हें हेल्प करें, उन्हें देखें कि कोई ऐसा तो नहीं है जो बेचारा रो रहा हो कि अपने बच्चों के लिए भी खाना नहीं, क्रिसमस की डेकोरेशन नहीं, केक नहीं, कपड़े नए नहीं। तो इन एरियाज़ में अगर आप मूव करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ यकीन दिलाता हूँ कि आपका मालिक क्रिएटर खुश होगा, खुदावंद खुश होंगे कि इस बंदे ने क्रिसमस को समझा। अनफॉर्चुनेटली मोस्टली क्रिश्चियंस जो हैं क्रिसमस को अंडरस्टैंड ही नहीं करते, वो सोचते हैं कि शायद मैं और मेरी फैमिली, ये सेल्फिशनेस तो है ही नहीं ना मसीहत में या किसी भी उसमें नहीं है धर्म में, सर्व होना है। लेकिन मसीहत में तो आपको पता है खुदावंद ने क्योंकि अपनी जान गुनाहगारों के लिए दी ताकि सब लोग निजात पाएं, और कलाम हक में लिखा है कि खुदा किसी गुनाहगार की हलाकत
नहीं चाहता। तो इसलिए इस रूह को आप ज़रा मलहूज खाते रखिएगा प्लीज़। क्रिसमस रूह सेलिब्रेट करें लेकिन फैमिली, अपने आप के साथ नहीं, मैं मी एंड माई फैमिली नहीं, बल्कि वो लोग जो नहीं इंजॉय कर पा रहे, ठीक है। तो क्रिसमस की जो असल रूह है उसको प्लीज़ आपने मिस नहीं करना। सर्व करें, इंजॉय करें, शेयर करें। ये देखें, ये भी अच्छी है, 7 inches कुछ पता नहीं क्या, ये टर्निंग एंड डांसिंग सांता क्लॉज है। ये 1.9 था पहले, अब 9 का है। मैं समझ तो ये कुछ बेहतर है। इसी तरह ये भी मैं लेके जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा ये डांसिंग जो क्रिसमस ट्री है। ये छोटा मेरे पास, मैं यहाँ से दूसरा लूँगा बड़ा वाला, तो उसके बाद आपको दिखाएंगे इसकी डेकोरेशन थोड़ा बहुत जो हम लोग करेंगे। तो दोस्तों इसलिए आप इसको एंजॉय करें क्रिसमस को लोगों के साथ, डिजर्विंग अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ, ना के अपनी फैमिली और अपने लोगों के साथ। तो सब लोग ही करते हैं ना, तो ये क्या बड़ा हुआ फिर, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो शेयर करें, ठीक है जी। सो थैंक यू। देखें अभी जब घर जाता हूँ यहाँ से शॉपिंग करने के बाद, तो फिर मैं आपके साथ जो यहाँ से बाय करेंगे चीज़ें उनको शेयर करेंगे। ये देखें, एक कनोपी और छोटा टेंट भी है, बहुत कुछ है। बहरहाल यहाँ पे एक चीज़ तो है कि यहाँ पे बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं शॉपिंग के ताल्लुक से, लेकिन हर एक को मूव करना है अपने बजट और उसके। ये वुडन चेयर है जी, रॉकिंग चेयर है। अच्छा, ये रॉकिंग चेयर भी अजीब है, इसका भी एक मैसेज है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये मूव कर रही है ना, हिल रही है ना। तो कुछ लोग जो है ना वो ऐसी हैं दुनिया में, क्रिश्चियंस भी स्पेशली चर्च गोइंग, हैंकी पैंकी 50% 50-50 मेड इन चाइना क्रिश्चियन, आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री की तरह, कुछ भी नहीं, रियल नहीं। वो सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, चर्च चले गए, चंदा कर लिया, हाथ उठा के है जी हालेलुया कर लिया, ड्रामे कर लिए, कुछ भी। इस रॉकिंग चेयर की तरह जो एक ही जगह पर खड़े हिलते जाते हैं लेकिन कहीं जा नहीं रहे, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कहीं जाते नहीं है वो, फ़ायदा नहीं है उनके किसी जिंदगी का। ये मैसेज है। सो प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ जो है वो हमेशा से ही बाबरकत हुई है। ये हैट्स हैं जी, ये देखें, हैट काफ़ी कुछ है। पर ये वही शूज भी जी इधर पड़े हुए हैं। तो दोस्तों फिर मैं दोबारा आपको ज़रूर बताऊंगा कि इनकी जो प्राइसेस है ना कोई ख़ास अच्छी नहीं है। तो आप जब मूव करें, घूमें फिरें, तो कोशिश करें उन जगहों पर जाएं जहां पर आपको बेहतर प्राइस मिलती है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ये देखो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो चले गाइस, अब घर चलते हैं। इसके साथ साथ मैं शॉप कुछ लेता हूँ चीज़ें यहाँ से, और फिर घर जाके आपको मैं दोबारा इसको कनेक्ट करते हैं और सेकंड उसमें चलते हैं एपिसोड में, ठीक है जी। सो मे अल्लाह ब्लेस यू, और बने रहिए, जुड़े रहिए, और दोबारा उसके साथ मिलते हैं। मैं घर में जाके डेकोरेशन की क्या हमने। हेलो गाइस, वेलकम टू फरी हक व्लॉग। अल मनाजिल से क्रिसमस की डेकोरेशन शॉपिंग करने के बाद हम घर आ गए हैं। कुछ चीज़ें हमने ली, मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसके बाद ये चीज़ें कुछ, ये मैंने आपको बताया था कि ये मैं लूँगा वहाँ पे, और इसके अलावा नॉइल, और ये सांता क्लॉज, और साथ में क्रिसमस कैप्स विद लाइटिंग, या और इसी तरह
ये भी छोटे सांता क्लॉज साहब जो बैठे हुए हैं वॉल क्लॉक के ऊपर, उन्हें टाइम रोका, इन्होंने क्या किया हुआ है। और इस तरह ये देखें, ये इलेक्ट्रिकल है, इसमें जब हम इसको पीछे शू लगाते हैं तो ये अंदर मोटर है जो इसको हवा, और फिर ये बड़ा अच्छा इसके साथ सब कुछ, ये पीस यानी सलामती, एक्समेस, शूज, और ये क्रिसमस ट्री का। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको दिखाया था ये डांसिंग ट्री, इसमें कल ये बड़ा वाला है, इसमें कल जब हम सेल और बैटरी डालेंगे तो ये डांसिंग क्रिसमस ट्री है। ज़बरदस्त किस्म के सॉन्ग्स के साथ ये वो डांस फांस करती है अच्छे से। एंजल, वाह ब्यूटीफुल एंजल। और ये देखें रेड इंडियन भाई साहब, शेफ भी बैठे हैं। और ये सो ये अगर इसको पूरा लुक लिया जाए, अगर यहाँ से ऐसे तो यू कुछ सीन आएगा। ये देखें, वाह। सो थैंक यू वंस अगेन, एंड हमेशा की तरह फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, और फिर अपनी आरा, अपनी एडवाइसेस और मशवरों से हमें नवाजें। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, आपके मशवरों की, ताकि हम बेहतर से बेहतर जो व्लॉग हैं आपके लिए तैयार कर सकें। तो आपकी रहनुमाई, आपकी मोहब्बत, आपकी मदद हर वक्त हमतन हमें मतलूब है। सो मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, विश यू आ मैरी क्रिसमस एंड ब्लेस्ड न्यू ईयर विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। मे गॉड ब्लेस यू इन 2022 विद अनकॉमन टेस्टिमनीज। थैंक यू जी, लव यू ऑल, थैंक यू।